हेलो दोस्तों, बाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे एक व्यूवर ने बताया कि आप इक्विटी के अंदर जो नया सिग्नल, जो नया ट्रेड आया है आज का, उसका वीडियो बनाकर अपलोड करिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इक्विटी का न्यू जो ट्रेड आया है आज का, वो हम अपलोड करेंगे। और जो नया व्यूवर है, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया ट्रेड आए थे है वो हम अपलोड करते रहते हैं। तो चलते हैं, एक कैन बैंक का चार्ट है, उसके अंदर आज का बाई सिग्नल चल रहा है कंफर्म वाला, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही है कि बाई के पहले अपर साइड ब्लू एरो होना ज़रूरी है, तो ही से बाई के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये सेल सिग्नल गलत है, क्योंकि सेल के पहले डाउन साइड एरो नहीं बना है। और साथ में ये डबल वेरीफाई अगर सिग्नल को करना है, तो आप सीट नंबर टू में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अंदर ये ट्रेड लाइन के मार्केट ऊपर है, तो बाई परफेक्ट है। इसके साथ आप यहां देख सकते हैं कि मैकडॉल के अंदर भी कंफर्म बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, थोड़े देर पहले हुआ है। आप इसको वॉच कर सकते हैं, क्योंकि बाई सिग्नल परफेक्ट है। उसके पहले का सेल सिग्नल था, कंफर्म था, क्योंकि सेल सिग्नल के पहले उसने डाउन साइड एरो डाला था, और बाई भी परफेक्ट है, बाई के पहले अपर साइड ब्लू एरो डाला था। टाटा मोटर्स के अंदर देखते हैं, तो हमारा जो कंटिन्यू बाई ट्रेड चल रहा है कंफर्म वाला, क्योंकि अपर साइड ब्लू एरो था, और अभी चल रहा है 237। कभी भी डाउन साइड एरो आए, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। विप्रो के अंदर भी आज हमारा बाई सिग्नल चल रहा है कंफर्म वाला, क्योंकि अपर साइड एरो बना है। सेल भी कंफर्म था, क्योंकि डाउन साइड ब्लू एरो बना था, यहाँ आपको एग्जिट करवाया। हीरो मोटो के अंदर आज हमारा बाई सिग्नल मतलब कि होल्ड करवाया था। अब कैसे था होल्ड, वो मैं आपको चार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये हमारा सिग्नल ट्रेड था, जो करीबम आया था बहुत 4-5 दिन पहले, 12 तारीख को, और अपर साइड ब्लू एरो था, मतलब कि कंफर्म था। उसके पहले देखिए, ये सेल गलत था, तो मतलब कि इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। बाई परफेक्ट बन गया, कंफर्म एरो था उसके पहले, और बाद में आपको यहाँ बोला और ऊपर जाएगा मार्केट होल्ड करिए, यहाँ भी बोला और ऊपर जाएगा होल्ड करिए, यहाँ भी बोला और ऊपर जाएगा होल्ड करिए, यहाँ भी बोला और ऊपर जाएगा होल्ड करिए। तो जब तक इसको सेल सिग्नल नहीं देता है, तब तक आपको ये बार बार यही बोल रहा है कि होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, और अभी चल रहा है 2750। जब मार्केट बहुत मूवमेंट में होती है, तब ये बार बार आपको सपोर्ट देता रहता है कि डोंट वरी, होल्ड योर पोजिशन। कोई दूसरी स्क्रिप्ट देखते हैं, लुपिन, तो उसके अंदर बाई कर सकते हैं आप, कंफर्म ट्रेड है, और थोड़ी देर पहले ही आया है, 8 रुपीज़ ऊपर गया है। उसके पहले का सेल था, वो भी कंफर्म था, यहाँ आपका एग्जिट हो गया। एचडीएफसी देखते हैं, तो उसके अंदर ये सिग्नल गलत है, क्योंकि सेल के पहले डाउन साइड एरो नहीं है, तो आप इसको ट्रेड मत करिए, जो कि नीचे गया है, फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बाई सिग्नल था उसके पहले का, कंफर्म था, आपको बार बार बोल रहा था और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। जैसे सेल आ गई, आपको सिर्फ एग्जिट करना है। आगे किसी को देखते हैं, इंडिगो, तो इंडिगो के अंदर अभी थोड़े देर पहले ही सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, और कंफर्म वाला है। आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं इस सिग्नल के अंदर। और ये बाई सिग्नल था, आपको बाद में कंफर्मेशन एरो दिया, आपको बार बार बोल रहा था और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, यहाँ आपका एग्जिट हो गया। कोई दूसरा स्क्रिप्ट देखते हैं, निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए, अगर आप इसको वॉच करिए, इसकी एक्यूरेसी लेवल है वो पूरी 100% नहीं होती है, वो आपको जान लेना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। पर हम इसको कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन इसको देकर आप इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रेस कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेड है वो कंफर्म है, और आप इसको वॉच कर सकते हैं। ये सेल सिग्नल था, गलत था, आप इसके अंदर काम नहीं करना था। उसके पहले का बाई था, परफेक्ट था, आपको काफ़ी मार्केट में प्रॉफिट दिलवाया था। GSPL के अंदर कंफर्म बाई है, और अभी चल रहा है। उसके पहले का सेल सिग्नल था, तो उसके अंदर उसने थोड़ा सा लॉस करवाया था, देखिए यहाँ से आपको एग्जिट करवाया। तो कोई सिग्नल ऐसे निकलते हैं जो आपको लॉस करवाए, पर वो बहुत कम रहते हैं, उसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, तो ये बाई सिग्नल है, परफेक्ट है, आपको यहाँ होल्ड करवाइए, यहाँ एग्जिट करवाइए। ये सेल के अंदर तो काम करना ही नहीं था।
बजाज ऑटो के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर हमारा जो सिग्नल ट्रेड है लेटेस्ट वाला, वो बाई सिग्नल है और कंफर्म में चल रहा है, आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। पर उसके पहले का सेल ट्रेड था वो, जो कि गलत था, इसके अंदर आपको काम नहीं करना था। पर अब ये जो फैसिलिटी आपको मिलती है होल्ड वाली, बहुत अच्छी है। यहाँ आपको देखिए बाई ट्रेड दिया, जब मार्केट 2-3 दिन मार्केट अपर ही रहती है तब ये सॉफ्टवेयर का काम बहुत आपको सपोर्ट देता रहता है। एवरी टाइम, एवरी 1 आवर, एवरी 2 आवर के बाद आपको बोलता ही रहता है कि डोंट वरी, होल्ड योर पोजीशन। ये कंफर्म था, यहाँ आपको बोला और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, होल्ड करिए, होल्ड करिए। देखिए कम से कम 15 से 20 बार आपको बोला कि होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, मार्केट अप में है। टोरेंट पावर के अंदर भी आप देख सकते हैं, तो अभी का बाई सिग्नल जनरेट हो चुका है और अभी चल रहा है कोस्ट टू कोस्ट, आप इसको वॉच कर सकते हैं। BPCL के अंदर बाई सिग्नल था, कंफर्म वाला है और अभी मार्केट थोड़ा आगे जा चुका है। उसके पहले का एक सेल सिग्नल था जो कि इसके अंदर नीचे जाकर आपको थोड़े ऊपर से एग्जिट करवाया है, तो इसके अंदर भी थोड़ा लॉस हुआ है। पर उसके पहले का देखिए, दो गलत सिग्नल को डिटेक्ट करके आपको इग्नोर करवाया। तो इसी तरह आप कोई भी स्क्रिप्ट का अगर डेमो देखना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कोई भी स्क्रिप्ट आपको उसके अंदर कॉल चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगर नया व्यूवर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।